बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शीर कोरमा। शीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 12 से 13 छुहारे लिए हैं हमने, उनको हमने कट कर लिया था। थोड़ी सी किशमिश ली है, एक पाव के करीब हमने बादाम लिए, इनको छोटा छोटा कट कर लिया था। 1.5 कप चीनी ली है, 2 किलो के करीब हमने दूध लिया था, उसको हमने बॉईल कर लिए। अब हम इसमें डालें, अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश और छुहारे भी डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी भी डाल देंगे, 1.5 कप चीनी डालेंगे हम इसमें। चीनी आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम बढ़ती मीठा देख के। 1 प्लेट के करीब हमने सिवैया ली है, उनको छोटा छोटा तोड़ लिया है। ये देखिए हमारा दूध अच्छी तरीके से बॉयल हो गया, पक गया हो। इसमें पिस्ते बादाम और छुहारे भी पक चुके हैं, कितना गुलाबी हो गया दूध। अब हम इसमें सिवैया डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें सेवैया भी डाल दी थी, अब ये खूब पक गई हैं। अब हम इसमें साबुत खोपरा हो तो साबुत खोपरा भी डाल सकते हैं, अगर पिसा हुआ खोपरा हो तो पिसा हुआ खोपरा भी डाल सकते हैं। हमने पिसा हुआ खोपरा लिया 4 चम्मचे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। बस हमारा ये शीर कोरमा तैयार होने वाला है। ये देखिए हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया है। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। बस अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा शीर कोरमा तैयार हो गया। अब हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, ये ख़ास ईद पर ही बनता है, इसको ख़ास ईद पर ही बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े का मज़ेदार बना है ये। आप भी हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक भी करिएगा। ये देखिए हमारा शीर कोरमा कितने मज़े का लग रहा है। आप ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक भी करिएगा। और ये हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा।